ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बात करेंगे रोमन रेंस एंड द मिस के बीच सोशल मीडिया पर चल रही थी कि जंग, इसके अलावा रेसलमेनिया के मेजर प्लान्स, एक बड़ा नाम जो कि हेडलाइन करने वाला है इस साल का हॉल ऑफ फेमर और थोड़ी बहुत बात करेंगे मिक्स्ड मैच चैलेंज के बारे में। शुरुआत करते हैं रोमन रेंस एंड द मिस से। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ टाइम पहले ट्वीट करके कहा था कि रॉ की 25th एनिवर्सरी पर पहुंचने से पहले ही द मिस मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, जिसके जवाब में अब द मिस ने भी एक ट्वीट किया जहां उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करी है और वहां पर एक भारी भरकम वेस्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताओ कि रोमन रेंज ज्यादा अच्छी वेस्ट पहनते हैं या फिर मैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रॉ के 25th एनिवर्सरी पर मैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तुमसे वापस लेने वाला हूं। अब रोमन रेंज भी यहां पर नहीं रुके और उन्होंने उस ट्वीट को अटैच करते हुए एक और ट्वीट किया जहां उन्होंने लिखा है कि तुम सिर्फ वेस्ट पहन कर उधर घूम सकते हो और फालतू की वीडियोस बना सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने फिर से धमकाया है मिस को और कहा है कि रॉ में तुम्हारा फिर से बुरा हाल होने वाला है। अब इन दोनों सुपरस्टार के बीच सोशल मीडिया पर जो फाइट है वो काफी ज्यादा गर्म हो गई है। देखना यह होगा कि जब रॉ का एपिसोड आएगा तो आखिर जीतकर कौन बाहर निकलने वाला है। दूसरी अपडेट जुड़ी है रेसलमेनिया 34 के प्लान से। जैसे कि मैंने आपको कल रात ही कम्युनिटी टैब में इन्फॉर्म कर दिया था कि डे मेल्जर का कहना यह है कि WWE के अभी के प्लान्स के हिसाब से जॉन सीना वर्सेस द अंडरटेकर एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के बीच रेसलमेनिया 34 में मैच बुक हो चुके हैं अभी के प्लान्स के हिसाब से, और अगर आगे प्लान्स चेंज नहीं होते तो ये मैच हमें रेसलमेनिया 34 के ग्रैंड स्टेज में देखने को जरूर मिलेंगे। तीसरी अपडेट जुड़ी है WWE के हॉल ऑफ फेम से। जैसे कि आप जानते हैं जो भी सुपरस्टार WWE में अच्छा नाम कमाता है उसके बाद WWE से हॉल ऑफ फेम में डालती है, तो डे मेल्जर का कहना यह है कि इस साल को जो हॉल ऑफ फेम होगा उसे हेडलाइन करने वाले हैं बिल गोल्डबर्ग। हालांकि इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक WWE की तरफ से नहीं आई है, लेकिन उनका कहना यह है कि बहुत जल्दी WWE इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाली है और शायद 19 जनवरी को जब इसकी टिकट सेलिंग होगी तो वहां पर WWE अनाउंसमेंट करे कि इस साल का हॉल ऑफ फेम हेडलाइन करेंगे बिल गोल्डबर्ग। फाइनल अपडेट जुड़ी है WWE के मिक्स्ड मैच चैलेंज से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर आपको ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, यहां पर फर्स्ट राउंड की आपको टीमें दिख सकते हैं किन किन के बीच मैच होगा। इसके बाद जो भी टीम जीतेगी वो आएगी अगले राउंड में, अगले राउंड में आने के बाद फिर आएगा सेमीफाइनल्स और यहां पर आप एक स्पॉट देख सकते हैं जहां पर लगा सेकंड चांस फैन वोट। तो WWE का कहना यह है यहां पर हमें ही किसी एक टीम को और मौका देना है कि किसे हमें डालना चाहिए सेमीफाइनल्स में, और उसके बाद जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल्स में फिर आएगा फाइनल और फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी टीम जीती है मिक्स्ड मैच चैलेंज को। तो गाइस ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आप गोल्डबर्ग को देखने चाहेंगे इस साल के हॉल ऑफ फेम में और आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 34 के फिलहाल के WWE के इन प्लान्स के बारे में। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।